सो जाओ टिंकू। लेखन प्रीति नाम्बियार। खूबसूरत चांदनी रात थी। मंगू के खेत में भी सारे पशु पक्षी सो रहे थे, सिर्फ टिंकू जागा हुआ था। मुझे नींद नहीं आ रही अम्मा, टिंकू फुसफुसाया। लेकिन अम्मा ने उसकी बात सुनी ही नहीं, वो गहरी नींद में थी। टिंकू पहले बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा, उसने कंबल ओढ़ा फिर उतार फेंका, वो पेट के बल लेटा फिर चित होके लेटा, इधर उधर खूब करवट बदली, पर नहीं वो सो ही नहीं पाया। तंग आकर वो रात में ही बाहर निकल पड़ा, ये देखने के लिए कि रात में उसे कौन मिल सकता है। ऊपर आसमान में टिंकू ने चांद देखा, सफेद जगमग करता गोल चांद जो मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। वह बहुत खुश हुआ। रात तो बहुत सुंदर है, टिंकू ने सोचा। उसे दूर पेड़ पर पत्तों के बीच टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी कैसी? वह चकित हुआ। एक छोटी सी रोशनी उड़ती हुई उसके पास आई। उस उड़ती हुई रोशनी ने कहा, मैं जुगनू हूँ, मैं अंधेरे में चमकता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? टिंकू ने पूछा। जरूर बनूंगा, जुगनू बोला। एक पंछी उड़ता हुआ आया, पेड़ की शाख पर उल्टा लटक गया। तुम कौन हो भाई? टिंकू ने पूछा। वाह वाह, चमगादड़ हो, पंछी ने कहा। मैं रात के अंधेरे में देख सकता हूँ, मेरे दोस्त बनना चाहोगे? टिंकू ने पूछा। बड़े शौक से, चमगादड़ बोला। पीछे झाड़ियों में पत्तियों की सरसराहट हुई, कोई छिप रहा था। रुको रुको, तुम कौन हो? टिंकू ने पूछा। मैं एक लोमड़ी हूँ, लोमड़ी ने कहा। मैं रात को टहलने निकलती हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? टिंकू ने पूछा। बिल्कुल बनूंगी, लोमड़ी बोली। एक पेड़ से दो चमकती आंखें उसे घूर रही थी। अब तुम कौन हो? टिंकू ने पूछा। जवाब आया, मैं उल्लू हूँ, मैं रात को भोजन के लिए शिकार की तलाश में निकलता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? टिंकू ने पूछा। अरे क्यों नहीं, उल्लू बोला। तभी वहां जी जी की आवाज गूंजी। कौन है वहाँ? टिंकू ने पूछा। फिर वो चारों ओर देखने लगा। मैं एक झिंगूर हूँ, झिंगूर ने अपने बारे में बताया। जब अंधेरा हो जाता है मैं झिंग झिंग झनका सी आवाज निकालता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? टिंकू ने पूछा। हाँ जरूर, झिंगूर बोला। टिंकू और उसके दोस्त हंसे खिलखिलाए, उछले कूदे और इतनी धमा चौकड़ी मचाई कि टिंकू को उबासी आने लगी। जोर की नींद आ रही है, अब मुझे घर जाना है, टिंकू बोला। लौटते समय वो बहुत खुश था कि उसने आज बहुत से नए दोस्त बनाए। लौटकर
टिंकू अपनी अम्मा से कस कर लिपट गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, रात को सिर्फ सन्नाटा नहीं होता अम्मा, रात में तो बहुत सारे कमाल के दोस्त मिलते हैं। हाँ अम्मा बोली, तुम्हारे रात के दोस्त रात को ही अपना काम करते हैं, वे रात को ही खाते हैं और खेलते हैं, लेकिन दिन में आराम भी करते हैं। अब तुम सो जाओ, नींद तुम्हें ताकत देगी ताकि कल तुम अपने दिन के दोस्तों के साथ खेल सको। सो जाओ मेरे प्यारे बच्चे। चमकीला गोल गोल चांद पूरी रात चमकता रहा। उसकी शीतल चांदनी चारों ओर बिखरी थी और टिंकू खर खर खर्राटे लेकर सोया हुआ था।